गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 में चैप्टर 2 में भाग 2 का अध्ययन करेंगे। चलिए आज हम भाग 2 में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज हम भाग 2 में घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। हमने मनुष्य में पाचन पढ़ा था, आज हम घास खाने वाले जंतुओं में पाचन पढ़ेंगे। चलिए क्या लिखा है, क्या आपने गाय भैंस को घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को देखा है? तो जाहिर सी बात है आपने देखा होगा, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते हैं जब वे खा नहीं रहते। यानी देखिए गाय भैंस जब बैठी होती तो भी अपना मुंह चलाते रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी क्या करते हैं, खा जाते हैं। जल्दी जल्दी देखेंगे गाय भैंस जल्दी जल्दी खा लेती है और निगल कर आमाशय में इकट्ठा यानी अपने पेट में इकट्ठा कर लेती है। यह भाग रूमेन कहलाता है, यानी जहां पर जल्दी जल्दी घास खाकर जानवर इकट्ठा कर लेते हैं उस भाग को आप क्या कहेंगे, तो रूमेन कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, तो उस भाग को आप रूमेन कहेंगे। रूमेनेंट में आमाशय 4 भागों में बटता है, यानी रूमेन कितने भागों में बटा होता है, रूमेनेंट में 4 भागों में। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी जैसे ही भोजन आमाशय में जाता है गाय भैंस के, तो उसका थोड़ा बहुत पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, कड़ कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, यानी बार बार गाय भैंस अपना मुंह चलाती है, क्योंकि पहले वो निगल जाती है, बाद में अपना मुंह चला छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है और उसको फिर से मुंह मिलाती है और फिर उसको बार बार चबाते रहती है। इस प्रक्रिया को हम रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं, तथा ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। घास में सेल्युलोज की प्रचुरता है, सेल्युलोज क्या होता है, घास में ज्यादा होता है क्योंकि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, इसलिए सेल्युलोज की मात्रा ज्यादा होगी, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। सेल्युलोज क्या है, सेल्युलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु हिरण आदि के रूमेन में सेल्युलोज का पाचन करने वाले जीवाणु होते हैं। लेकिन देखिए गाय भैंस हिरण जो घास खाती है तो उनके अंदर सेल्युलोज को पचाने की क्षमता होती है। क्या मनुष्य घास को पचा सकता है, जी नहीं, क्योंकि मनुष्य सेल्युलोज का पाचन नहीं कर सकते, तो केवल गाय भैंस ही सेल्युलोज का पाचन कर सकती है। तो जुगाली क्यों करती है पता चला, क्योंकि वो सीधे जल्दी जल्दी भोजन को निगल लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकाल कर उसका वो पाचन करते हैं। तो पहेली क्या कर रही है, पहेली जानना चाहती है कि जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। तो बूझो चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्युलोज को क्यों नहीं पचा सकता। यदि पहेली कह रही है कि ये पहले ही पूरी तरह चबा क्यों नहीं पा रहे हैं, फिर बूझो कह रहा है कि ये लोग मनुष्य घास क्यों नहीं खा सकता, मनुष्य सेल्युलोज को क्यों नहीं पचा सकता। तो ध्यान दीजिए क्यों नहीं पचा सकता, जानवर जैसे घोड़ा खरगोश में क्षुद्रांत एवं वृद्धांत एक थैली रूमा संरचना होती है। घोड़े और खरगोश में क्षुद्रांत और वृद्धांत की एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछा अंधनाल क्या है, तो जो गाय भैंस घोड़ा खरगोश है उनमें एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेल्युलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा होता है, यानी कि वो जीवाणु केवल पशु में पाए जाते हैं, मनुष्य में वो जीवाणु नहीं होते, इसलिए मनुष्य क्या करता है भोजन को घास को नहीं पचा सकता। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जिनमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, तो वो भोजन किस प्रकार से पाचन करते हैं। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें ना तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र होता है, फिर वे किस प्रकार भोजन को अंततः ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 आप देख लीजिए, आप भोजन करने की एक रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। चलिए हम एक रोचक विधि के बारे में पढ़ेंगे, अमीबा। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, इसमें ना तो पाचन तंत्र पाया जाता है और ना ही इसके अंदर किसी प्रकार की कोशिकाएं हैं, ना ही इसका कोई मुख है, तो कैसे भोजन प्राप्त करता है। डियर स्टूडेंट, अमीबा जलाशयों में रहता है, अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में कोशिका में एक ही कोशिका झिल्ली होती है, यानी एक कोशिकीय है, एक ही कोशिका से बना है, और मनुष्य क्या है बहुकोशिकीय है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। देखिए आप देख सकते हैं एक केंद्रक है
यहाँ पर अनेक धानियां बनी हुई हैं। चलिए अब हम देखते हैं चित्र 2.10, आप देख सकते हैं ये रहा आपके पास 2.10 आपका चित्र है, आप देख रहे हैं 2.10 चित्र को। अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति बदलती, क्यों? क्योंकि उसकी आकृति अनियमित होती है, अपनी आकृति बदलता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धन, देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 देखिए क्या है, ये प्रवर्ध है, क्या है ये प्रवर्ध है, आप देख सकते हैं। जिन्हें पादाप अथवा कृत्रिम पाव कहते हैं, खुद पैर और तो नहीं होता लेकिन झूठा पैर बना लेता है, जो इन्हें गति देता है, भोजन पकड़ने में सहायता करता है, यानी इन पादपों की सहायता से, इन पैरों की सहायता से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। देखिए अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, जब इससे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर अपने पैरों को फैलाया, यानी अमीबा को लगता है कि भोजन आ रहा है तो देखो ये अपने पैरों को देखो कैसे फैला लिया, देखो ऐसा करके, ये क्या है खाद्य कण है, इसने अपने झूठे पैरों को फैला लिया, आप देख सकते हैं। खाद्य पदार्थ जो खाद्य दानी में फंस जाता, देखिए ये खाद्य दानी है, यहाँ क्या हो गया खाद्य पदार्थ फंस गए हैं, ठीक है। अब खाद्य दानी में जैसे खाद्य पदार्थ फंस गए तो खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रवित होते हैं, यानी इसी खाद्य दानी में पाचक रस आते हैं, ये खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं पाचक रस उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं और अमीबा इसको अवशोषित कर लेता है। अमीबा अवशोषित कर इसका उपयोग कैसे करता है, अवशोषित पदार्थ अमीबा वृद्धि रख रखाव एवं गुणन के लिए, यानी एक से दूसरा अमीबा, गुणन का मतलब है कि अमीबा की वृद्धि विकास के लिए इन पाचक रसों का उपयोग हो जाता है। अब बाद में जो भी बचा रहता है उसको वो खाद्य दानी से बाहर, देखिए आप देख रहे थे तो बाहर कर दिया ना, जो बच गया उसको क्या कर दिया बाहर कर दिया। भोजन के पाचन का आधार प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थों में परिवर्तन होता है या उससे ऊर्जा रूपांतरित होती है। अगले अध्याय में आप आठ अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अनुभागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और आपको करना क्या स्टूडेंट, आप देखिए ये शब्द है अवशोषण है, एमिनो अम्ल है, स्वांगीकरण है, पित्तरस, मुगुआ, इन सभी शब्दों के बारे में आपको दो दो लाइन लिखना है। आज का होमवर्क आपका इतना ही है। और देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज आपको दिया है, मानव में पोषण के दो चरण हैं, आप देख सकते हैं आपको इसको करना है। तो आज का होमवर्क है आपका 1 2 और 3, तीनों क्वेश्चन को आपको पूरा करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।